हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, 12 यात्री जिंदा जले। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हुई इस भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग से बस में सवार 12 यात्री जिंदा जल गए। इनमें से 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक झुलसे यात्री ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया और एक की मौत अस्पताल पहुंचने की बात हुई। उसके बाद 3 और घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसे के शिकार हुए 23 यात्रियों का इलाज चल रहा है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हादसे के बाद रास्ता जाम हो गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे की सूचना पर जिला कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बस में करीब 3 दर्जन यात्री सवार बताए गए थे। मृतकों और घायलों की शिनाख्त कर ली गई है। बस में 25 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार हादसा बाड़मेर जिले के पचपदरा थाना इलाके के भांडियावास गांव के पास सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। यहां बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के समय बस में करीब 3 दर्जन सवारियां थे। घटना की जानकारी मिलते ही पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पचपदरा थाना अधिकारी प्रदीप डागा के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। बस बालोतरा से जोधपुर की तरफ जा रही थी। इस दौरान भांडियावास के पास सामने से आ रही ट्रक ने ओवरटेक करने के प्रयास में बस को टक्कर मार दी, जिससे ये भीषण हादसा हो गया। 8 लोगों की मौत की पुष्टि। घटना की जानकारी मिलने के बाद जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, बाड़मेर जिले के प्रभारी वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विशोई और पचपदरा विधायक मदन प्रजापत मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करवाया। घायलों को बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। गंभीर रूप से झुलसे कुछ घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।